निहाल साहब, पहले तो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। आज कहाँ कमी रह गई, पहले तो टॉस आपके आने में नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद ये राउंड और ये पिच ऐसे है कि यहाँ पर 265 भी बने, 220 भी बने, चीज भी हुआ है और 150 रन भी प्लस हुए, 125 भी निकल पाई। स्वागत है यहाँ खेलना। और जहाँ तक हमारी टीम की बात है तो हमारे जो बॉलर थे शुरू में वो आज उसका दिन नहीं था, बॉल हिला नहीं, दोनों स्विंग बॉलर थे और सामने वाले बैट्समैन भी अच्छे थे, उन्होंने अच्छा शॉट खेला, शॉट सिलेक्शन भी अच्छा था, बहुत अच्छा स्विंग में ही हम लोग पीछे चले गए थे 6 ओवर में स्टार्टिंग का, क्योंकि जब भी 6 ओवर में 100 रन अगर सामने वाली टीम बना देती है वहाँ से कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही टर्निंग पॉइंट था, उसको में ही उन्होंने एक तरफा मैच कर दिया था। और बाद में हमारी बैट्समैन भी चाह रहे थे लेकिन रन ज़्यादा था, बट बैट्समैन भी क्लैप्स हुआ, बैट्समैन ने भी गलत शॉट मारे, हम भी गलत शॉट मार के आउट हो गए और रन कुछ ज़्यादा ही बन गया था, इसलिए उसी का थोड़ा प्रेशर भी था बैट्समैन पे जो अच्छा नहीं कर पाए। बहुत बहुत यहाँ के ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे, यहाँ के आयोजन समिति के साथ साथ, क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस यहाँ आते हैं वीर तिवारी T20 टूर्नामेंट में मैच का लुत्फ उठाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्रिकेट ही है, क्रिकेट का मेला है और क्रिकेट के दीवाने हैं, देखते ही है क्रिकेट का कितना जुनून है मलापुर में, जब भी टूर्नामेंट होता है यहाँ दर्शक पूरे हुजूम के साथ आते हैं और पूरा आनंद उठाते हैं, और इतना ठंड में भी अभी तो धूप उग रहा है, पिछले साल धूप भी नहीं थी फिर भी बहुत दर्शक आते थे, मोबाइल ट्विटर सब के ज़माने में सब छोड़ के दर्शक यहाँ मैच देखने आते हैं, तो अलग ही मज़ा आता है यहाँ खेलने में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद।